कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। पिया, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना है, मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। घर में कहीं एक शीशा होगा, काला शीशा, उस शीशे को ढूंढने की कोशिश करो। पिया, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं आगे बैठूंगा। कहा ना मैं आगे बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगा। चुप, क्या मेमनों की तरह मैं कर रहे हो? आगे कौन बैठेगा इसका फैसला हम बाद में करेंगे, तब जब हमें जाना होगा। लेकिन उससे पहले हम तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? बड़ी मजेदार चीज है। नहीं, पहले छोटे दादू अपनी जीप में हमें घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ चलिए ना छोटे दादू, और अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। आपके दादू और दादी इतना प्यार से कह रहे हैं, तो मान लो ना उनकी बात। क्योंकि फिर बाद में तो ये आपको घुमाने ले ही जाएंगे, है ना? ओके दादू, दिखाइए क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज। बच्चों, वो ऐसी चीज है कि अगर तुम लोग देख लोगे उसे तो हैरान हो जाओगे। तुम जो हो वो रहोगे ही नहीं, ये समझ लो कि तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। वाह, और सुनने में कितना कूल साउंड कर रहा है। बहुत मजा आएगा। ये आप क्या कर रहे हैं निशान जी? पंडित जी, आपने देखा था ना कैसे सारे शहर के दिए एक साथ बुझ गए थे। हाँ, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले मुझे लगा था कि ऐसा सिर्फ मेरे ऑफिस में हो रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शहर के सारे दिए एक साथ बुझ गए थे। और सिर्फ इतना नहीं, उन सब का धुआं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और इसीलिए मैंने थोड़ा धुआं कलेक्ट कर लिया। ये भाई धुआं है पंडित जी। इस धुएं का आप क्या करने वाले हैं? इस धुएं को मैं इस रहस्य जल में मिलाऊंगा ताकि हमें इस धुएं के बारे में और जानकारी मिल सके। निशान जी, ये तो शीशे जैसा कुछ बन गया। हाँ पंडित जी, इसका मतलब है कि इस धुएं का इस्तेमाल शीशा बनाने के लिए किया गया है। शीशा? डायन शीशा। डायन शीशा? फिर तो अवश्य ही ये मोहना का काम है। नहीं पंडित जी, गुड़िया ने मुझे बताया था कि जब सारे दिए बुझे थे तब मोहना उसके साथ थी। इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। और कौन हो सकता है? पता नहीं पंडित जी, लेकिन पता लगाया जा सकता है रथमायन से। ये मोहना पे कुछ भी बोलती रहती है, मुझे उसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। भला घर में काला शीशा कहां से आ सकता है? खाली दिन में बहन बैठ गए। काला शीशा घर में कहीं एक शीशा होगा, काला शीशा। चलो 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 चलो। रुको, क्या हो गया पिया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। माँ, ये शीशा अभी मोहना है मुझे शीशे के बारे में ही बता रही थी। तो क्या हुआ पिया, शीशा ही तो है।
और तुम मोहना की बात पर इतना ध्यान दे के परेशान क्यों हो रही हो? बात ये नहीं है माँ, अभी कुछ देर पहले ये शीशा यहाँ नहीं था, फिर मोहना ने मुझे इस शीशे के बारे में बताया और मैंने बाहर आके देखा तो ये शीशा यहीं पड़ा हुआ था। अचानक ये शीशा आया कहाँ से? आया नहीं पिया, मैंने मंगवाया है, अभी छोड़ कर गए हैं वो लोग। अच्छा है ना, सुंदर है ना? आपने मंगवाया? लेकिन माँ ये तो काला शीशा है, आपने काला शीशा क्यों मंगवाया? काला है इसीलिए तो मंगवाया है, अलग है ना। लेकिन मोना मुझे काले शीशे के बारे में ही बता रही थी। इसका मतलब जब मैं ये शीशा ऑर्डर कर रही थी ना तो उसने मेरी बात सुन ली होगी, और अब इसी शीशे को लेकर वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। बेटा वो हम सबके दिल में डर बिठाना चाहती है, मत ध्यान दो उसकी बातों पर। और अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है कि कुछ गलत है या ये शीशा ठीक नहीं है तो जाओ देख लो ना। कम ऑन मम्मा, छोटे दादू, दादी मम्मा कह रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसमें बहुत मजा आएगा, प्लीज चलो ना। चलिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पर पहले मैं ये शीशा देख लेती हूँ। ओके ओके। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी? जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा प्रथमायन, तुम एक उत्तरायन हो, उत्तर देना तुम्हारा फर्ज है और तुम झूठ नहीं बोल सकती। मेरे हर सवाल का तुम्हें सच सच जवाब देना ही होगा। हर सवाल का नहीं, सिर्फ तीन सवालों का। मैं सिर्फ तीन सवालों के जवाब दूंगी, इसीलिए जो भी पूछना है बहुत सोच समझ कर पूछना। ये धुआं, इसका क्या राज है? ये काला धुआं किसी डायन ने बनाया है शीशा तैयार करने के लिए। ये किस डायन का काम है? मेरी बेटी का। तुम्हें मेरी बेटी मिल गई? कहाँ है वो? बेटी? देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना ये मोहना का काम है, ये मोहना का ही काम है ना पंडित जी? अरे नहीं नहीं, वो नालायक इस लायक नहीं है कि ऐसा कुछ कर सके, ये मेरी दूसरी बेटी का काम है। दूसरी बेटी? दूसरी बेटी मतलब तुम्हारी दूसरी बेटी तो बेटी जी है ना? देखो तुम्हारे तीन सवाल पूरे हो चुके हैं, अब तुम जा सकते हो। नहीं, मेरे आखिरी सवाल का जवाब देती जाओ तुम। मोहना नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? What? Are you serious? मैं अभी पिया को बताता हूँ। जैसे ही पिया शीशे के सामने आएगी वो अंदर कैद हो जाएगी और बाहर आएगा पिया का डायन रूम। पिया! क्या हुआ आज? बेटा क्या हुआ? मुझे पिया से कुछ बात करनी थी। पिया, पापा का कॉल आया था, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? यहाँ नहीं बता सकता, अकेले में बात करनी होगी। पापा, चलो ना मेरे देखते। अभी नहीं बेटा, आप बाद में देखेंगे, आप दोनों अपने कमरे में जाओगे। लेकिन मामा प्लीज। बेटा जिद नहीं करते, आप जाओ अपने कमरे में। अंश बेटा क्या हो गया है, सब ठीक है ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ माँ सब ठीक है, बस पिया से कुछ बात करनी थी। चले। लगता है इन्हें सब पता चल गया, तो अब क्या करना है? वेदश्री के वापस आने से पहले इन सब को डायन शीशे में कैद कर। क्या ये तुम क्या कह रहे हो अंच? डायन शीशा? हाँ भैया, दियो के धुएं से डायन ने डायन शीशा बनाया है और वो शीशा यहाँ हमारे घर में है। What? हाँ अंच, वो काला शीशा यहाँ हमारे घर में है। अभी कुछ देर पहले मोहना ने मुझे उसके बारे में बताया। वो शीशा किसी डायन ने बनाया है भैया, रत्नायन ने पापा को बताया,
कि वो शीशा उसकी बेटी ने बनाया है। मोहना? नहीं, रत्नायन ने ये भी बताया कि ये काम मोहना का नहीं है। तो और कौन हो सकता है? एक ही नाम बचता है। नहीं, माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंश। लेकिन माँ ही वो शीशा घर में लेकर आई है ना? हाँ, और वही बार बार मुझे शीशे के अंदर देखने को कह रही थी। तो क्या इसका मतलब?